जी बासित भाई मुस्कुरा रहे हैं हम। गेम अवेयरनेस लाला कह रहे हैं तो उसमें बॉलिंग भी तो गेम अवेयरनेस में आती है कि लास्ट के बैट्समैन अगर खेल रहे हैं। वसीम अकरम क्यों ग्रेट बॉलर थे, वो आखिरी पांच जो बैटर होते थे ना उन्हें 6 ओवर में उड़ा देते थे, भारी कर देते थे, चाहे रिवर्स हो रहा हो जो भी हो रहा हो एक्स वाई जेड। तो ये गेम अवेयरनेस ये भी तो है, डंडों में बॉल करनी है क्या, यॉर्कर्स नहीं किसी ने मारी यॉर्कर, हाँ। अगर रिवर्स हो रहा है तो बॉल ऑफ स्टंप से अंदर लाई जाए या बीच से लाई जाए, हाँ। तो ये भी गेम अवेयरनेस में आती है। प्लस गेम अवेयरनेस तो सबसे बड़ा जो आज नवाज से ओवर कराया वहां पर रिजवान को आना चाहिए था, बाबर नहीं उसामा से कराओ, ये भी गेम अवेयरनेस में, क्या ये गेम अवेयरनेस नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो आज मिकी आर्थर शायद आप मिस कर रहे हैं, हाँ। जो आज उसने जो बयान दिया ना, कि ब्लेम ना करें, कि हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, हाँ। हम हारे, वो भाई पहले बताओ तो नंबर 5 पे किसने भेजा, अपने आप को सेफ कर रहा है वो। मैं उसी तरफ आने वाला था कि देख लेते हैं, मैं एक चले इसके बाद पहले देख लेते हैं मिकी आर्थर ने क्या कहा, बासित भाई बता। एक तो वही कामरान बात कह रहे हैं केबीसी को बेचेंगे, बेचना शुरू कर दिया उन्होंने, नहीं एफर्ट हैज बीन फर्स्ट क्लास, ये जो जका साहब का जो बयान है उसके बिहाफ पे ये कह रहे हैं कि इंजी और बाबर और कोई और भी कसूरवार नहीं है। पहली चीज तो ये है जो उन्होंने बात करी ना जका साहब ने, ये वो जवाब दे रहे हैं भाई, जो चीज झूठ पर मबनी हो वो कैसे कामयाबी मिलेगी उसको, ये किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वेयर इज द हेड कोच, डायरेक्टर, डायरेक्टर्स नहीं आते आमतौर पे, सवाल ही डायरेक्टर है कहां, टीम के नहीं आते मैच के, किसी टीम नहीं है कहां किसी के पास डायरेक्टर, वो तो अपने मुल्क में बैठे हुए होते। ये किस बिहाफ में मीटिंग कर रहा है बताए ना, पीसीबी बताए, निकाले अभी प्रेस रिलीज कि भाई ये हेड कोच है, अब जब झूठ बोलेंगे तो ऐसे रिजल्ट आएंगे। साउथ अफ्रीका ने रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 1 विकेट से हरा दिया। साउथ अफ्रीका से मिली हार के बाद पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल की राहें बेहद मुश्किल हो गई हैं। इस हार के बाद पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तान की बॉलिंग को ही घटिया बता दिया। उन्होंने कहा जब आप बॉल को डंडे पर नहीं मार सकते तो घंटे की नंबर 1 बॉलिंग। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।